This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. Ye Akashvani hai. Abhi aap aaj Rajya Sabha mein prashnkal ke dauran hui karyawahi ki recording sunenge. Maaniniya Sabha Sado, Maaniniya Sabha Pati Ji. Question hour. Thank you, honorable member. क्वेश्चन नंबर 196. प्रश्न क्रमांक 196. क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण इंडोर एयर पोल्यूशन को निमोनिया के मुख्य कारणों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे वर्ष 2021 में देश में 17.1% की दर से होने वाली बाल मृत्यु दर के एक प्रमुख कारणों के रूप में आंका गया है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया से होने वाली 45% मौत इस कारण होती है। ख क्या घर के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा उचित तंत्र स्थापित किए गए हैं, और ग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। श्रीमती कांता करदम। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। Honorable Minister has indicated on this at national and international fora very extensively. We await your response, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। दुनिया में जिस प्रकार का औद्योगिक विकास हुआ है, उसमें मनुष्य के इनप्रिंट के कारण धरती का तापमान बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल हो गई है। दुनिया के देशों में इसके लिए बहुपक्षीय समझौता भी किया गया है, और बहुपक्षीय समझौता के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग अभी COP28 दुबई में भी संपन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट है, उसके लिए सभी सरकारों के द्वारा मिटिगेशन मेजर्स, एडेप्टेशन मेजर्स, और फिर इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए वित्तीय और अन्य व्यवस्थाओं की जा रही है। भारत सरकार में इसके द्वारा एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने जो बहुपक्षीय समझौते में हिस्सा लिया है, उसके अनुरूप भारत ने अपने NDCs के लक्ष्य दुनिया के सामने प्रस्तुत किए, और मुझे आपको सामने बताते हुए खुशी है कि भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट के बाद पहले NDC में दिए थे, उसमें 3 क्वांटिटेटिव थे, जिसमें पहला लक्ष्य भारत की रिन्यूएबल क्षमता को 40% करना था। ये लक्ष्य भारत ने 2030 के लिए तय किया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि समय से 9 साल पहले ये लक्ष्य भारत ने प्राप्त किया। उसके साथ ही दूसरा लक्ष्य, हम जो औद्योगिक विकास के साथ जो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, उसको हम 33% प्राप्त करना चाहते थे, उस लक्ष्य को भी भारत ने समय से 9 साल पहले ही प्राप्त किया। तीसरा लक्ष्य, भारत ने कार्बन श्रिंक को ग्रीन कवर को बढ़ाने के लक्ष्य को तय किया था, और अभी हाल ही में COP28 में क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा UAE के साथ एक ग्रीन क्लाइमेट पैक्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके कारण भारत में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होगा, और जो ऐसी जमीन जहां पर फॉरेस्ट लैंड है लेकिन वहां पर अभी पेड़ नहीं है, वहां पर अन्य NGO और बाकी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पेड़ को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। भारत में नेशनल एक्शन प्लान भी बना है, और उसके साथ ही साथ इस कॉप में भारत ने अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन भी प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति जी, मैं एक वाक्य और कहना चाहूँगा कि ये जो नेट जीरो का टारगेट है, भारत दुनिया के उन चुनिंदा 68 देशों में है जिन्होंने अपना 2070 का नेट जीरो प्लान भी प्रस्तुत किया है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत क्लाइमेट एक्शन के साथ साउथ, ग्लोबल साउथ के साथ पूरी तरीके से लड़ने के लिए कार्यवाही कर रहा है। डॉक्टर अमर पटनायक। थैंक यू सर। सर, biggest problem in air pollution is the PM2.5 particles, sir. That is the one which is the most dangerous and harmful for the lungs.
Sir, through you, I would like to inquire from the Honorable Minister whether the Central Pollution Control Board considers PM10, which largely consists of dust and outdoor pollutants, as the current measure or benchmark for air quality performance assessment and measuring air pollution for fund disbursement under NCAP. If that is so, then it is a cause for concern, because PM2.5 is actually the global standard, and that is the one which affects the lungs the maximum. So whether there is a phase-wise proposal to shift to a PM2.5 pathway from the PM10 pathway. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से उसके लिए एनकैप के अंतर्गत योजनाएं बनाई गई है। एनकैप की योजना के अंतर्गत 131 सिटियों को, शहरों को चिन्हित भी किया गया है। वायु में जो प्रदूषण की मात्रा है, उसमें जो माननीय सदस्य ने PM2.5 और PM10 के लिए कहा है, उसमें मुख्य रूप से जो हवा के अंतर्गत विषैले पदार्थ होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर हो, चाहे उसके साथ लेड और चाहे बाकी हाइड्रोकार्बन बाकी विषय हो, उसको लेकर उसकी गुणवत्ता को पूरी तरीके से जांचा जाता है और इसको एनकैप के अंतर्गत शामिल किया गया है। श्री रामचंद्र जांगड़ा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार एक घटक है वो पॉलीथीन है, और आम तौर पर सुबह सुबह जब देखते हैं किसी भी शहर की गली में, तो दुकानदार सामने अपना कचरा इकट्ठा करके और पॉलीथीन में आग लगाते हुए मिल जाते हैं, और पूरे शहर में गंदगी और वायु, इतने दूषित वायु फैलती है। तो पॉलीथीन का जब तक ये लिफाफे का उत्पाद बंद नहीं होगा, तब तक तो प्रयोग भी बंद नहीं होगा। तो इसका पॉलीथीन के लिफाफे बने ही ना, इसका उत्पादन ही बंद हो, इसका इसके लिए कोई सरकार की योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, ये सच है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और पिछली बार जब यूनिया 5 हुआ था तो भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद भी किया था, लेकिन देखने में आया है कि जो रॉ मटेरियल जो तैयार करते हैं प्लास्टिक का, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई है ये एक इलीगल तरीके से की जाती है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अब एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि जो रॉ मटेरियल को जो सप्लाई करते हैं उनको ये बताना होगा कि रॉ मटेरियल उन्होंने कहाँ सप्लाई किया है। हम पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य सरकारों का और जन सहयोग भी आवश्यक है, और चूंकि एनवायरनमेंट के विषय में भारत पूरी दुनिया में मिशन लाइफ के एग्जाम्पल के साथ लीड करता है, जिसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल कहते हैं, हमने जगह जगह पर विभिन्न प्रकार से इस प्रकार के एक स्वस्थ विषय को प्रोत्साहन दिया है कि लोग प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक उत्पादों का प्रयोग करें, और इसको बैन बिल्कुल किया गया है। जो लोग इसको चलाते हैं वो अनधिकृत रूप से चलाते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा और स्टेट पॉल्यूशन अथॉरिटी के द्वारा और जनता के भी सहभाग की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 197। प्रश्न क्रमांक 197। क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत ढांचा है, या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा निर्देश लागू किए गए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने पत्रकारों के समक्ष आने वाली उभरती चुनौतियों जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल खतरों के संदर्भ में मौजूदा नीतियों में संशोधन करने की योजना बनाई है, बना रही है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? सुश्री डोला सेन, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री। ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री धनंजय महादिक, सप्लीमेंट्री। धन्यवाद सभापति जी। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एवं वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ समाज एवं सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सत्ता एवं दलों की राजनीति से ऊपर उठकर सभी से चर्चा करके देश हित में, लोकतंत्र के हित में सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय
अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो माननीय सांसद महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा की ना केवल चिंता करना बट उसके लिए प्रयासरत रहना, ये सरकार का हर संभव हम प्रयास करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था जो है एक राज्य का विषय है। जहाँ तक सभी की बात की और विशेष तौर पर जर्नलिस्ट की बात की, हमारी सरकार ने 2017 में होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करके भी सभी राज्यों को कहा कि उनकी सुरक्षा के हर तरह के प्रबंध करने चाहिए। और सर, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक ऑटोनोमस संस्था है, वो भी सो मोटो ऐसे प्रेस एक्ट के अंतर्गत अपने आप केस ही लेते अगर कहीं पर किसी पत्रकार के प्रति हिंसा की जाती है। सर, मूल प्रश्न जहां पर उठाया गया था वो पश्चिम बंगाल की एक माननीय सांसद ने उठाया था, और मुझे सर ये कहते हुए थोड़ी सी झिझक भी हो रही थी कि मैं किसी राज्य का नाम लेकर नहीं कहना चाहता था, लेकिन इतनी घटनाएं वहां पर हुई कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद दूसरा ऐसा उदाहरण देखने को मिला जहां पर पत्रकारों के खिलाफ हिंसक घटनाएं भी हुई। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन ये सर राज्य का विषय है कि वहां पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जाए जहां स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सके। सर, मैं आपके ध्यान में एक और लाना चाहता हूँ। आजकल देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए। इस तरह की घटनाएं अगर की जाए सर, वो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन तक अब तक शायद सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जिनको पक्का मकान मिलना था लेकिन राज्य की सरकार अगर उन तक नहीं पहुंचा पाई, तो उनको भी जानकारी और सुविधा देने का काम वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। उसको पहुंचाने का काम भारत सरकार तो कर रही है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रोके, वहां के शरारती तत्व उसको मारपीट करे, और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे, ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं। मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और हमने सर कानून के तहत यहाँ से हर तरह के प्रावधान जो करने चाहिए, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन भी जारी की है, हमारी मंत्रालय ने सूचना प्रसारण ने भी की है, और हमने अपनी ओर से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम भी सर चलाई है। अगर किसी का सप्लीमेंट्री होगा तो मैं उसमें वो भी उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद सर। श्री GVN नरसिम्हा राव। थैंक यू चेयरमैन सर। I was a little surprised that Member Dola Sen asked this question, because as the Honorable Minister just now mentioned, journalists in West Bengal certainly don't feel safe like the rest of the citizens of Bengal. My question to him is, when certain governments, particularly the TMC in this example, do not allow journalists to present the reality to the people, and they act oppressively against them. Many such occasions they have reported to Press Council of India, but there are occasions when it is felt that Press Council of India also does not take a very independent and autonomous view. And some narratives are actually, particularly political narratives against BJP have been built only to defame the government. So I'd like to ask the Honorable Minister, so what steps can be taken to ensure our truly independent and autonomous Press Council of India, and what action has been taken to ensure that India's reputation in world ranking of journalist freedom, it is highly distorted. So what action can the government take to remove this distortion, which is actually an attempt to defame India? Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, I also take note of the input of the Honorable Member, as I am also associated with the Press Council in some measure. Yes, sir. Wait for 2-3 weeks, we are at it, Honorable Minister. Sir, माननीय सांसद ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। That the Press Council is in the dock. सर, उसके सदस्य एक autonomous body के नाते, एक
चयन प्रक्रिया है वो चुने भी जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर संस्था में सुधार के अवसर मिलने चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम निश्चित से वो कदम उठाएंगे ताकि वो और प्रभावी हो सके और सुविधाएं और सुरक्षा हमारे सभी पत्रकार मित्रों को दे सके। सर, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस और उनके सेफ गार्डिंग की बात है, सुमोटो बहुत सारे ऐसे मुकदमे वो लेते भी हैं। एक माननीय सांसद ने यहाँ पे प्रश्न उठाया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या घटा। सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, 20 जर्नलिस्ट को सर मारा गया डे ऑफ सिविक पोल इन अक्टूबर 2015। 20 पत्रकारों को मारा गया, उनके रिपोर्टर्स के कैमरा और सब कुछ छीन लिए गए, ये जो अखबारों में भी रिपोर्ट आई सॉल्ट लेक एरिया में। फिर 4 जर्नलिस्ट को मारा गया फरवरी 2022 में दमदम में और मिदनापुर में, ये भी पश्चिम बंगाल की घटना है सर। 10 जर्नलिस्ट को मारा गया कलकत्ता में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जबकि नॉमिनेशन फाइल करने की बात थी 2023 में। जून 2013 में भी सर 3 फोटो जर्नलिस्ट को मारा गया, हॉस्पिटलाइज किया गया बारकपुर में N24 परगना जिले में। सर, ऐसे मेरे पास लगभग लंबी लिस्ट है और इतने सीनियर पत्रकारों की लिस्ट है, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी लिस्ट पढ़ के बताऊं, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति है कि लोकतंत्र में अगर पत्रकार अपने आप को किसी राज्य में असुरक्षित महसूस करें तो ये सवाल खड़ा करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। दूसरा सर, माननीय सांसद तो है नहीं जिन्होंने पश्चिम बंगाल से सवाल पूछा, लेकिन उसी राजनीतिक दल के एक और सांसद जो दूसरे सदन से आते हैं, जिस तरह की हरकत उन्होंने 2 दिन पहले की, पिछले कल की, सर मुझे लगता है वो कुकृत्य देश को शर्मसार करने वाला है। पूरे विपक्ष को उसमें माफी मांगनी चाहिए थी, जो किया गया ना केवल सर को कुकृत्य उनका, बल्कि जो फिल्म बनाई गई जिस एक सीनियर पॉलिटिशियन ने किया उसके कारण भी। सर, नाम पहले ही ऐसा हो चुका है कि उसका नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, नाम बड़े और दर्शन और काम तो हमने सबने देख ही लिए सर कैसे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है सर कि संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालना और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर इस तरह से कुकृत्य करना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम कोई और लोकतंत्र में नहीं हो सकता। सर, काश उन्होंने दोनों सदनों में आके विपक्ष ने माफी मांगी होती, लेकिन नहीं मांगी। देश माफ नहीं करने वाला सर, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, वो इसका जवाब देगी ही सर। और सर, मैं जितना मर्जी है मीडिया का, और जो इन्होंने पूछा कि मीडिया की रैंकिंग, सर जो लोग बाहर से रिपोर्टिंग करने आते, मैं तो आज तक कभी 2.5 साल में ऐसी किसी संस्था से नहीं मिला। मैंने सभी बड़े समाचार पत्र समूह से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी जो संस्था है, मैंने उनसे पूछा आपके पास कभी आए, उनके पास कभी नहीं आए। मुझे नहीं पता सर ये रिपोर्ट कहाँ से कैसे बनाई जाती है, लेकिन एक बात की गारंटी, मोदी की सरकार की गारंटी है कि मीडिया का फ्रीडम ऑफ प्रेस और उनका सेफ गार्ड करना, ये हमारी प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगा। अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पर हर व्यक्ति की भी है, और हमारे यहाँ पर प्रेस की तो अभिव्यक्ति की आजादी और उनको लिखने का सर स्वतंत्र अधिकार है सर, और आगे भी रहेगा। श्री नारायण कोरा गप्पा। सर, माय क्वेश्चन इज क्लास 132 भारतीय शिक्षा बिल गिव्स प्रोटेक्शन ओनली एडवोकेट्स एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बट इट इज नॉट कवरिंग जर्नलिस्ट। सेक्शन 15(2) ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 provides complete protection to journalists from disclosing their source, but this protection only operates against the Press Council of India and does not extend to any investigation, inquiry, etc. Secondly, the Law Commission in its 93rd report of 1983 recommended that immunity to extend to journalists from revealing their source. So I would like to know from the Honorable Minister, will we consider adding journalist under the 132 Bharatiya Shiksha Bill? Thanks. Honorable Minister. Sir, मैं इसको एक सुझाव के रूप में लेता हूँ, धन्यवाद। Question number 198, श्री विजयपाल सिंह तोमर। प्रश्न क्रमांक 198, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क देश में विभिन्न स्थानों पर बेकार और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने, वृक्षों का संरक्षण करने और संवर्धन करने
के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ख, वन विभाग के अनुसंधान संस्थान, वन निगम, भारतीय वन सर्वेक्षण आदि के माध्यम से वनों के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर अध्ययन करने के संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है। और ग, वनों के संरक्षण और रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और वानिकी से जुड़ी उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। सदन के पटल पर रखा गया सप्लीमेंट्री वन, माननीय विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, वैसे तो रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ है और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है, लेकिन पुराने जो वृक्ष थे वो बड़े बरगद का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जामुन का है, शीशम का है, साल का है, ये हुआ करते थे देवदार का। आज वृक्षारोपण के नाम पर एनजीओ छोटी संस्थाएँ सरकारी गैर सरकारी बहुत ही ऐसे वृक्ष लगाती हैं जो छोटे वृक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी माननीय मंत्री चाहूँगा कि जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, चाहे वो परती ज़मीन है, बंजर है या और खाली पड़ी है, इन पर जो वृक्षारोपण हुआ है अभी तक कितनी भूमि पर हुआ है और शेष लक्ष्य क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दो विषय उठाए गए हैं। पहला उनका यह कहना है कि अभी जो परंपरागत रूप से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु के अनुकूल पेड़ हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्पीशीज लगाई जा रही है जिसका ज़मीन से कोई वास्तविकता नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा जो वृक्षारोपण के लिए इस समय देश भर में एक्टिविटी चलाई जा रही है, उसमें नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा के अंतर्गत, तीसरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और चौथा एक्सट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अब हर जिले में जो वहाँ की स्थानीय स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है और वहाँ के वातावरण के अनुकूल है, उसकी पूरी एक डायरेक्टरी भी तैयार की गई है और इसको संवर्धित करने के लिए ताकि लोकल लोग इसका प्रयोग करें, हमने नर्सरी को भी विकसित करने का प्रयास किया है। और इसलिए उन स्पीशीज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो हमारी परंपरागत और नेटिव स्पीशीज हैं। दूसरा विषय उन्होंने एग्जैक्ट संख्या उत्तर प्रदेश की भूमि के संबंध में मांगी है, वो मैं उनको पत्र के द्वारा उपलब्ध करा। सेकेंड सप्लीमेंट्री श्री विजय पाल सिंह तोमर। आमतौर पर देखने में आया है कि नहर, नदी या सिंचाई विभाग के नाले, इनके किनारे पहले बहुत वृक्ष थे, बड़े वृक्ष थे, वो काट लिए गए हैं। तो इनके किनारों पर वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा लगाए जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा वन विभाग द्वारा इनके किनारों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के द्वारा वन विभाग के क्षेत्र में आने वाले भूमि पर ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी जैसे मैंने अपने पूर्व के एक उत्तर में ये बताया था कि अभी COP28 में भी जो हमने ग्रीन क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को जो शुरू किया है, ऐसे वन क्षेत्र जो डिग्रेडेड हो गए हैं, फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, वहाँ पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने एक ग्रीन फंड की स्थापना करी है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र अपने एक तरीके से सेवा कार्य के अंतर्गत वहाँ वृक्षारोपण कर सकता है। लेकिन देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले इसके लिए वन मंत्रालय के साथ साथ ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, और अभी हमारी सरकार के द्वारा पिछले समय जो एक कानून लाया गया था कि जो बम्बू की खेती जो है उसको हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला था, तो नेशनल बम्बू मिशन, उसके अतिरिक्त मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नदियों के किनारे जो कहा है विशेष रूप से नमामि गंगे स्कीम, और फिर स्टेट स्पेसिफिक जो प्लांटेशन स्कीम है उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, इनके द्वारा भी जो सड़क के किनारे या बाकी ट्रैक से किनारे वृक्ष हैं उसको लगाने का कार्य किया जाता है, और इसको पूरे एक बड़े प्रोजेक्ट के नाते हम कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं।
माननीय सदस्यगण, मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि माननीय सदस्यगण एक साल में वर्षारोपण में कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं। मैं जहां भी देश में जाता हूं, ये मेरी प्राथमिकता रही है। आई हैड इंडिकेटेड टू द ऑनरेबल मेंबर्स दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी रिफ्लेक्टेड बोथ इन द हाउस एंड ऑन संसद टीवी। आई होप यू टेक नोट ऑफ इट अगेन एंड लेट अस हैव राइट परफॉर्मेंस। आई हैड इंडिकेटेड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी टू मेक अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स आवर वेदास बिकॉज मोस्ट ऑफ आर नॉट सीन इट। ही हैज डन इट, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, बट आई एक्सपेक्ट द ऑनरेबल मेंबर्स दे विल सेट एन एग्जाम्पल बाय एंगेजिंग इन प्लांटेशंस एट अ मैसिव स्केल। श्री बीरेंद्र प्रसाद बैसे, थैंक यू सर। टू फाइट अगेंस्ट द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ट्री प्लांटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे सर। सर, असम क्रिएट हिस्ट्री सर। ऑन असम इन ट्री प्लांटेशन, असम क्रिएट हिस्ट्री सर। ऑन 17 September 2023, the auspicious occasion of Honorable Prime Minister under the leadership of Assam Chief Minister, more than 100 crore tea plantation done in Assam, sir. This is your supplementary. And not only that, sir. Please ask your supplementary. More than 48 lakhs people participated in the tea plantation in Assam on the occasion of the birthday of Honorable Prime Minister. I want to know from the Honorable Minister, this is a very good step taken, initiative taken by the state government, especially on the 17 December, 2nd October, birthday of sir, your supplementary. Mahatma Gandhi. If your ministry is planning to subsidize or honorable minister allocation will give to state government for honorable this type minister of novel project, sir. माननीय नहीं एक राजीव जी, मैं आपको कह दूं, लीडर ऑफ द हाउस ने जब कहा कि आप निकाले जाओगे, उसमें इनका संदर्भ संसद से नहीं था, इस हाउस से नहीं था, ये संकेत कहीं और दे रहे थे, आपको सचेत कर रहे थे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न, आप जानते हो मेरे से ज्यादा। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड राजीव। माननीय सभापति, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने वृक्षारोपण के प्रति जो संवेदना दिखाई उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय सदस्य ने भी आसाम सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से वृक्षारोपण अभियान का उल्लेख किया है वो भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन माननीय सदस्य का स्पेसिफिक एक प्रश्न था कि इसके द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो 2014-15 से शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सेंट्रल स्टेट का रेशो 60:40 रहता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और जो विशेष रूप से तीन हिमालयन स्टेट है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इसका अनुपात 90, 90 और 10 का अनुपात रहता है। इसके अतिरिक्त भी देश भर में शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि माननीय सदस्य ने ये विशेष रूप से उल्लेख किया था कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा नगर वन योजना उस कार्यक्रम को किया जाता है जिसको स्पॉन्सर किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो कैंपा का फंड भी है इसमें एलोकेट किया जाता है। और एक
20 टारगेट प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जो हम फॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पेड़ों के लगाने की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं। श्री अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कुछ स्थानों पर चीड़ का वृक्षारोपण किया जा रहा है, और क्या चीड़ को हटाकर किसी अन्य प्रजाति के पेड़ों को लगाने की योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कि जहां पर भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम है, ये स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्राम है, और सभी प्रजातियां एक ही तरह के जलवायु क्षेत्रों और सब जगह पाई नहीं जाती है। बीच बीच में वन विभाग के द्वारा जिस प्रकार के प्रयोग हुए हैं, उसमें कई पेड़ों की हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं, तो ये स्टेट स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक है। माननीय सदस्य अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी एरिया स्पेसिफिक विषय पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके विषय का समाधान करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वाट्स, रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सर्टन कंसर्न्स अबाउट ट्री फैलिंग, यानी कि जब नेशनल हाईवेज बनाए जाते हैं तो सर्टनली बड़ पीपल, नीम, शीशम के पेड़ काटे जाते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एफॉरेस्टेशन का बड़ा एफर्ट है, मगर उस एफर्ट में खासकर बड़ पीपल के पेड़ को रोज बड़े चाव से खाता है, और वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्री गार्ड जो हैं उसका हाइट 5 फुट या 6 फुट है, जबकि रोज जंप करके 8-7 फुट तक चला जाता है खाने के लिए, और पेड़ बढ़ते नहीं। यानी सर्वाइवल ऑफ दी प्लांटेड ट्रीज इज माय कंसर्न। एंड सेकंड थिंग, जो शीशम में 5 साल के बाद बंट आ जाता है, फंगस आ जाता है और बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं या पेड़ों को संवर्धन और संरक्षण करने की बात करते हैं, तो हम सभी प्रकार के पेड़ों के संरक्षण करने की बात करते हैं, और इन सब प्रकार के जब पेड़ों के संरक्षण करने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बायोडायवर्सिटी में भी कुछ स्पीशीज या पेड़ ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड किस्म के हैं, और उसको हम बनाए रखने के लिए विशेष रूप से रिजर्व एरिया जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं वहाँ पर हम इसके पूरे प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण को बचाने में लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसलिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने में भी हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल वन संरक्षण नहीं, हम देश में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और एग्रो फॉरेस्ट्री में जिसको हम फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसमें किसानों की आय भी भविष्य में हो सके, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और पॉलिसी को भी उन्होंने इशू किया। क्वेश्चन नंबर 199, डॉक्टर के लक्ष्मण। प्रश्न क्रमांक 199, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होने वाले विनियमों के समान ही रहेंगे? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ESIC के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता सुनिश्चित करने के लिए उनके मौजूदा निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री भूपेंद्र यादव, श्रम एवं रोजगार मंत्री। महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, डॉक्टर के लक्ष्मण। थैंक यू चेयरमैन सर। थ्रू यू आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रिव्यूइंग द रेगुलेशंस एंड नोटिफाइंग विद द रिवाइज्ड रेगुलेशंस बेनिफिटिंग thousands of ESIC staff and officers, which was long due. Thank you, sir. Sir, there is a fact that some officers of the ESI at middle level management have not been considered for promotion since long. If so, the steps taken by the ESIC to give due promotion to them. Honorable Minister.
और भी है, सेकंड सप्लीमेंट्री भी है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि क्या ईएसआईसी के जो रेगुलेशंस हैं उनको हमने बाकी जो सरकारी कर्मचारी है उनके बराबर समकक्ष किया है या नहीं किया है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये एक लंबे समय से विषय पेंडिंग था, लेकिन ईएसआईसी में हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी का गठन करके 15 दिसंबर 2022 को हमने इस ओएम को निकाला है और इस ओएम के बेसिस पे हमने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के स्टाफ की कंडीशन और रेगुलेशन ये 2023 में निर्धारित किए हैं और इसलिए उसके अंतर्गत अब जो हमने ग्रेडिंग करी है उसके द्वारा जो एक लंबे समय से अधिकारियों के पदोन्नति का विषय था उनका समाधान हुआ है और उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम अब इस सारी कार्रवाई को विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण। सर, ईएसआई एम्पेल्ड एनी अदर हॉस्पिटल्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एटसेट्रा टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू इट्स स्टाफ एंड ऑफिसर्स वेयर सम सर्विसेस आर नॉट अवेलेबल विद ईएसआईसी, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ईएसआईसी की जो सुविधा है वो आईपीएस को उपलब्ध है, जो इंश्योर्ड पर्सन है भारत सरकार के अंतर्गत जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं जो उसकी मान्यता के अंतर्गत आते एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत उनको आईपी बनाया जाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो आईपीज हैं इनका जो इलाज है वो ईएसआईसी अस्पताल में होता है और दुनिया भर में ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर किसी भी कर्मचारी का इलाज होता है तो हायर लिमिट कुछ भी नहीं है। ये सबसे बढ़िया योजना है जिसमें कर्मचारी को पूरा पैसा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस समय पूरे देश के अंतर्गत ईएसआईसी के 161 अस्पताल चलते हैं और अभी हमने 107 और अस्पतालों को स्वीकृत किया है। इन 161 अस्पताल के अंतर्गत टोटल 11,547 जो है ये पैरामेडिकल कैडर्स की जो पोस्ट हैं, बाकी सारी जो पोस्ट हैं अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई भर्तियां हो रही है उस भर्तियों के कार्य को चल रहा है। हाँ, ईएसआईसी के जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है लेकिन जहाँ पर हमारे आईपीज हैं उनको हम पूरा इलाज देने के लिए एम्पैनल हॉस्पिटल करते हैं और एम्पैनल हॉस्पिटल की भी एक पूरी लिस्ट है जो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए लागू आत्मनिर्भर रोजगार योजना के उद्देश्य क्या है और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की अब तक की कुल संख्या कितनी है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य का प्रश्न है वो मेरे इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। ये जो मूल प्रश्न है ये सरकार के द्वारा जो ईएसआईसी की सुविधा है उसके संबंध में है। ईएसआईसी की सुविधा सरकार की केवल मेडिकल बेनिफिट की सुविधा नहीं है, इसमें मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस और अदर बेनिफिट दिए जाते हैं। ये कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली एक वृहद स्कीम है जिसमें 13.5 करोड़ के लगभग लाभार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है, वो इससे बिल्कुल पृथक है। मैं उनका एक भिन्न प्रश्न है इसलिए मैं उनका मैं व्यक्तिगत रूप से उनको उत्तर दूंगा, उसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 200, श्री सुशील कुमार मोदी। प्रश्न क्रमांक 200, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क ऐसे बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जहां कोई बाघ नहीं है या केवल एक ही बाघ है। ख विगत 3 वर्षों के दौरान कितने बाघों की मृत्यु हुई, तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। ग बाघों की मौतों के जिम्मेदार कारकों जैसे दुर्घटना, संघर्ष, अवैध शिकार आदि के क्या कारण हैं। घ वर्ष 2017 से
आज की तारीख तक बाघ के शरीर के अंगों की जब्ती के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और अंगा अवैध शिकार के दर्ज मामलों और गिरफ्तार लोगों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय सभापति जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। स्वाति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 2020 में 106 टाइगर्स की मौत हुई, 2021 में 128 और 2022 में 121। मैंने आज NTCA की वेबसाइट पर देखा कि 146 टाइगर्स डेड इन 9 मंथ्स, हाईएस्ट इन 11 ईयर्स। तो इस साल के 9 महीनों में मरने वाले टाइगर्स की संख्या 146 पहुंच गई है कुल 9 महीनों के अंदर। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की मृत्यु क्या, क्योंकि मंत्री ने अपने उत्तर में एक और बात कही है कि नेचुरल कारणों से जो मृत्यु हुई है वो 60 से घटकर 37% हो गया। इसका मतलब है कि 37% नेचुरल कारणों से डेथ हुई है और अननेचुरल और पोचिंग से 63% डेथ हुई है। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की डेथ का क्या कारण और सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। माननीय मंत्री जी, सो नियर एंड सो फार। माननीय सभापति जी, उत्तर तो आपको देख के देना होता है, सदस्य की दूरी की महत्व नहीं रखती। इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है टाइगर्स की मृत्यु के लिए, हमारे यहाँ NTCA जो है, नेशनल टाइगर अथॉरिटी कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा एक पूरी तरह से SOP बनाई जाती है। उस SOP के अंतर्गत किसी भी टाइगर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका एक पूरा डेटाबेस रखा जाता है जिसमें राज्य सरकार की रिपोर्ट और टाइगर की डेथ के कारणों को इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हम जब भी किसी टाइगर की डेथ होती है तो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सोर्सेज है, उससे भी कंफर्मेशन किया जाता है और उसकी एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो नेचुरल डेथ हुई है, पोचिंग से डेथ हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी मानवीय आबादी का दबाव पड़ रहा है, कुछ टाइगर की डेथ एक्सीडेंट के कारण, ट्रेन या सड़क के एक्सीडेंट के कारण भी वो डेथ के कारण बने हैं। इन सबको रोकने के लिए हम समय समय पर लगातार अपनी गाइडलाइन भी जारी करते हैं और उसके साथ जो देश के जो टाइगर कंजर्वेशन की जो हमारी सबसे बड़ी सफलता हुई है कि उनका जो कोर एरिया है उस कोर एरिए में ज़्यादा दबाव ना आए, इसलिए हम कोर एरिए से विलेज के रीलोकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं NTCA को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता भी उस पर पाई है ताकि जो ह्यूमन आबादी का प्रेशर है वो टाइगर्स पर ना आ पाए। एक और विषय भी है, कई बार हमें लगता है कि टाइगर हैबिटेट में जो टाइगर है वो, कई बार हम कहना चाहते हैं कि केवल वो टेरिटरी की रक्षा नहीं करता। अभी NTCA ने एक एटलस प्रकाशित किया है कि भारत के जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में नदियां भी निकलती है, ट्रिब्यूटरी भी निकलती है, तो हमारी एक तरीके से ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा है। इसलिए पूरे कोर एरिए को जो हम संभाल के रखते हैं उसका हमारा अर्थ ये है कि टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ वहाँ पर बायोडायवर्सिटी, बाकी स्पीशीज भी है, इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और जो डेथ के कारण है उसकी पूरी SOP हम लोग करते हैं और इसको हम पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट में अपडेट करके रखते हैं ताकि इसमें एक निष्पक्षता का विषय रहे और सही में जो टाइगर कंजर्वेशन, हमारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हम कार्य करते हैं उसको समुचित तरीके से हम कर सकें। इसलिए उसमें पूरे डेथ के कारण हम उस SOP के मान्यता के अंतर्गत ही करते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी। मेरे एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 5 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां एक भी टाइगर नहीं है और 7 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक एक टाइगर हैं। लेकिन इन टाइगर रिजर्व की जो ग्रेडिंग की गई है, जिसको मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन कहते हैं, उसमें उनको गुड का दर्जा दिया गया। तो जब एक भी टाइगर नहीं है तो उनको गुड का दर्जा दिया गया, फेयर का दर्जा ददिया गया, और बांधवगढ़ जहां 135 टाइगर है
उनको भी गुड या वेरी गुड का दर्जा दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से ये स्पष्ट जानना चाहूँगा कि ये इवेल्युएशन का क्या तरीका है कि जहाँ 135 टाइगर है वो गुड या वेरी गुड में, और जहाँ एक भी टाइगर नहीं है उस टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन के अनुसार गुड या फेयर के दायरे में रखा गया है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है और इसका कुछ हिंट मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी दिया है। ये जो टाइगर, जो पूरा हैबिटेट एरिया है, ये टाइगर के साथ साथ हमारी ट्रिब्यूटरी निकलने का, हमारी बायोडाइवर्सिटी का, वहाँ के इकोसिस्टम का, वहाँ के इकोसिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम है उसका, वो पूरा हैबिटेट को हम पूरी तरीके से देखते हैं। जो 5 टाइगर रिजर्व माननीय सदस्य महोदय ने कहे हैं, मैं मानता हूँ कि अभी जो फिलहाल की जो हमारी इस समय की जो गणना है उसमें सह्याद्री, सतकोशिया, कवल, दाम्पा और कामलंग, ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इस समय टाइगर के चिन्ह नहीं देखे गए हैं। हमारे जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपस में कॉरिडोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक समय में पलामू में भी हमारे पास कोई टाइगर नहीं था, लेकिन बाद में आज पलामू में हमारे टाइगर बड़े हैं। एक समय में हम ऐसी भी स्थिति में थे कि पन्ना में हमारा जो पूरा टाइगर रिजर्व था उसमें से टाइगर खत्म होने जाता है, आज पन्ना में हमारे सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व आए हैं। तो टाइगर अगर किसी क्षेत्र में अभी नहीं पाया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का प्रे एरिया, वो जो बाकी सारा इशू है जो इकोसिस्टम का मैनेजमेंट है। क्योंकि जब भी हम किसी टाइगर रिजर्व को ग्रेडेशन देते हैं तो टाइगर के साथ साथ बाकी उसका इकोसिस्टम कैसा है, उस इकोसिस्टम को हमने किस प्रकार से मेंटेन करके रखा है, क्योंकि ये इकोसिस्टम हमारी अपने आप में धरोहर है। और मैं ये मानना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि इस समय जो हमारा बक्सा का टाइगर रिजर्व है, हमारा नामदापा का, मुकुंदा हिल्स का, रामगढ़ विजधारी राजस्थान में, पलामू का, ये जो टाइगर इंद्रावती का जो टाइगर रिजर्व है, इसमें एक समय में टाइगर कुछ में कम भी हुए, लेकिन आज हम वापस से टाइगर को वहाँ पर बसाने में या उसके उसके प्रजनन को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब सिद्ध हुए हैं। इसलिए केवल ये मान लेना कि आज टाइगर नहीं है तो कल निश्चित रूप से कॉरिडोर के माध्यम से या जहाँ पर हमारी टाइगर की आबादी ज़्यादा भी हो जाती है वहाँ पर भी हम रिलोकेट करते हैं, लेकिन उसके बसने की संभावना, बायोडाइवर्सिटी की संभावना, जंगल की सघनता, जंगल का विविधीकरण, जंगल की जैव विविधता, जंगल का जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से, वो हमारे ग्रेडिंग का आधार होता है। और इस ग्रेडिंग को हम बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो इसको पूरी तरीके से देखकर एक इसको खरे और अच्छे मानक करें। और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। और पिछले 9 वर्षों में जब अभी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में अब टाइगर की संख्या पर्याप्त और बड़ी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें भारत को। श्री बाबूराम निषाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ऐसे विषय पर आपका संज्ञान सरकार और माननीय मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत ऐसा पौधा है जो हानिकारक है, बिलायती बबूल। बिलायती बबूल ऐसे वन क्षेत्रों पर फैल गया है जहां उपजाऊ जो अच्छी सी घास रहती है वहाँ उस वन क्षेत्र में पशु पक्षी नहीं रह पाते हैं, मैदानी क्षेत्रों पर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस बिलायती बबूल से मनी बहुत ढेर सारा क्षेत्र ऐसा रोपित कर दिया गया है जो नुकसान पहुंचाता है। इसको हटाकर ऐसे वन क्षेत्रों पर फलदार वृक्ष लगाने का सरकार का क्या उपाय है और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, यही मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, और इस पर भी प्रकाश डालें, ये विलायती नाम कैसे पड़ा, कपड़ा कैसे पड़ा? माननीय सभापति जी, ये बात सच है कि कुछ स्पीशीज इस प्रकार की हैं जो हमारे नेटिव स्पीशीज में नहीं आती हैं। किसी न किसी कारण से वो स्पीशीज जो है हमारे जंगल में आ गई और उनका बहुत तेजी से जिस प्रकार से कीटाणु फैलते हैं इस प्रकार से उनका जो पड़ा है, तो चूंकि वो हमारी स्पीशीज नहीं थी, बाहर से आई थी,
इसलिए मुझे लगता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में, चूंकि वो नेटिव नहीं थे, उसको विलायती थी। मैंने इसलिए पूछा कि घास के बारे में बड़ी चर्चा होती थी जी प्रश्न का, इसलिए। लेकिन ये जो स्पीशीज है, माननीय सदस्य ने जो अपनी आशंका व्यक्त करी है वो एकदम सही है। हमारे जंगल के कुछ क्षेत्रों में लगातार ये जो स्पीशीज बढ़ती हैं, उसके विलायती बबूल या लेंटाना भी जिसमें हम कहते हैं, उसके कारण हमारे जंगल का एक जो बड़ा क्षेत्र है वो घिर जाता है, और उसका हमें ध्यान में नहीं होता है, लेकिन जो वहाँ के वहाँ का जो एक पूरा बायोडायवर्सिटी सिस्टम है उसमें वो एक गतिरोध भी उत्पन्न करते हैं। हमारे जो हर फॉरेस्ट एरिया, विशेष रूप से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ का एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, फील्ड ऑफिसर उस प्लान को स्वीकृति देते हैं। उस स्वीकृति के अंतर्गत अगर इस प्रकार का जो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ एरिया होता है, उस बड़े हुए एरिया में वो उसको निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन ये चूंकि जंगल तो पहाड़ और बहुत दूर है, सड़क भी नहीं होती, इसलिए उसको किस प्रकार से निकाल के दोबारा से वो बीज पनपे ना, उसके लिए भी वो लोग स्थायी व्यवस्था का काम करते हैं। अभी एक विषय और हम लोगों ने शुरू किया है, नीचे जो साउथ में हमारे इस प्रकार की स्पीशीज है, बांदीपुरा के जंगल में, वहाँ की सोलेगा ट्राइब से उन्होंने एक अच्छा विषय शुरू करा है। उन्होंने उसके जो स्पीशीज को रेडिकेट करके निकाल के उसके फर्नीचर बनाने का, उससे कुछ अच्छे आर्ट की चीज़ें बनाने का काम किया है। इसको कुछ जगह पे बाकी भी निकाल के परमानेंट हटाने का काम किया जा रहा है, पर ये बहुत सीमित प्रयोग है। और हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा है, अधिकारियों के द्वारा फील्ड स्तर पे इसका निर्णय लिया जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जंगल के लिए हमारी एक बड़ी चुनौती है जिसको हम लोग समाधान करने में लग रहे हैं। ये सुनिए, जब डॉक्टर के पास गया तो मुझे बताया गया कि मुझे एक एलर्जी है, कांग्रेस ग्रास से एलर्जी है, तो मंत्री जी को हमारे को प्रकाश डालें कि कांग्रेस ग्रास से एलर्जी कैसे हो जाती है। मंत्री जी की जहाँ पढ़ाई हुई है ना, और जिस प्रांत में पढ़ाई हुई है, वहाँ भी बहुत बहुत व्यापक चुनौती था ये, और मंत्री जी को पूरी जानकारी है इसके बारे में। आप मंत्री जी से अकेले में बात कर लीजिए, आपको इलाज भी बता देंगे। सबको ज्ञान नहीं तो अच्छा। इट इज फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रेस्पॉन्ड। श्री ओके, सभापति के निर्देशों का पालन करूंगा, अकेले में बात करूंगा। श्री पवित्र मार्गरेटा, सर, माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज दैट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड और स्टेप्स टेकन फॉर ईज ऑफ कमर्शियल ट्री प्लांटेशन बाय पीपल इन जनरल। ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, व्यावसायिक वनरोपण के लिए हम लोगों ने कुछ स्पीशीज को और कुछ पौधों को पूरी तरीके से मान्यता दी है। एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो सबसे बड़ी चुनौती एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है कि जब एग्रोफॉरेस्ट्री में किसी एक पेड़ को काटते हो तो उसको दूसरी जगह तक जो ले जाते हैं, ट्रांजिट जो करते हैं, वो ट्रांजिट करने के लिए हर राज्य की अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसके कारण इसकी कमर्शियली वायबिलिटी नहीं आती है, और इसलिए अब हमारे मंत्रालय ने इसको सुविधा देने के लिए एक नेशनल लेवल पे ट्रांजिट प्लान का प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्यों से दूसरे राज्य में लकड़ी के आवागमन को ले जाने से एक तरीके से प्रतिबंध से मुक्त किया है। क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसके कारण हमें लकड़ी के आयात करने पर डिपेंड होना पड़ता है, और इसके कारण कई जगह सघन जंगल भी कट जाते हैं। इस जो नेशनल ट्रांजिट प्लान सिस्टम को शुरू किया गया है, मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, और कमर्शियल और एग्रोफॉरेस्ट्री के संबंध में जो नियम लगाए गए हैं वो भी मंत्रालय की वेबसाइट पे पूरी तरीके से उपलब्ध है। श्री निरंजन बीसी। चेयरमैन सर, I would like to know from Honorable Minister that what step the Ministry is taking to redress the challenges posed by deforestation and habitat loss for wildlife conservation. Honorable Minister. महोदय, मैंने अपने जो पूर्व प्रश्न में जो नेशनल की जो भारत सरकार की योजनाएं बताई गई हैं
जहां पर वनों के काटे जाने पे वापस से ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, कैंपा प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हर दो वर्ष में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे फॉरेस्ट का सर्वेक्षण किया जाता है और उस फॉरेस्ट के सर्वेक्षण के द्वारा हम ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ सघन वन या फ्रेगमेंटेड वन, तीन प्रकार के जो वनों की कैटेगरी है वो किस प्रकार के वनों की कैटेगरी है, फ्लोरा फोना कैसा है, और फिर स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान के द्वारा उनके संवर्धन, संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, श्री ईराना कडाडी। प्रश्न संख्या 201, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन निकट भविष्य में देश की प्रमुख चिंताओं में से एक होने जा रहा है जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे? ख, यदि हाँ तो मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ग, क्या देश के वन आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है? घ, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अंग, क्या सरकार ने विगत 3 वर्षों के दौरान देश में वन भूमि को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। सप्लीमेंट्री वन, श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बढ़ता प्रदूषण भी है, जिसके लिए अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकी की आवश्यकता है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए हुए सोलार पैनल और विंड टर्बाइन के प्रबंधन के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है, और इनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वेस्ट टू वेल्थ ये भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी कार्य योजना है और हमारे मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है, और इसलिए रिसाइकिल को लेकर के विभिन्न विषयों में, चाहे रबड़ वेस्ट का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, समय समय पर मेटल यूज्ड ऑयल, इन सब विषयों को लेकर के रिसाइकिल वाले अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हमारे मंत्रालय के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशिका जारी की जाती है। इस संबंध में नीति आयोग के द्वारा भी विस्तार से रिसाइकिल विषयों पर काम किया गया है, और अन्य मंत्रालय भी, खासकर जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण अनुकूल इन विषयों के लिए व्यापक दिशा निर्देशिका जारी की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमने जारी की है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री ईराना कडाडी। जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ शुरू किया गया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की और प्रदूषण के रोकथाम के लिए मिशन लाइफ के माध्यम से किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया को पर्यावरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और व्यक्तिगत अपने योगदान के द्वारा हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का काम किया कर सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना दी है, और इसलिए मिशन लाइफ का जो पूरा नाम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान देता है। मंत्रालय के द्वारा एक मेरी लाइफ ऐप भी शुरू किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इसको कार्य कर सकते हैं। अब कृषि के क्षेत्र में अगर हम कृषि सिंचाई के कार्य को में भी अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि पानी कम लगे, हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि धरती में ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग ना हो, तो ये सारे व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इसको मिशन लाइफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आज पूरे दुनिया में
जो भी पर्यावरण वार्ताएं होती हैं उसमें अब सब डॉक्यूमेंट्स में इस बात को मान्यता भी मिलने लगी है कि दुनिया में जिस प्रकार से उपभोग बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसको दुनिया के सब देश मानने लगे हैं और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को लोग आजकल स्वीकार करने लगे हैं। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के विषय को दिया है, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आज इस बात पे जोर देने लगी हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, वही मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है। श्री महाराजा सना जाओबा लिशेम्बा। सर, माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज दैट ड्यू टू मास पॉपी प्लांटेशन इन द हिली एरियाज ऑफ मणिपुर एंड अदर neighboring northeastern states, drastic climatic change is happening now. Sir, what effective measures or steps are taken up to stop mass poppy plantation and to save climatic change in the northeastern state, especially in Manipur? Sir. Honorable Minister. Mananiya Sabhapati Mahoday, ye baat sach hai ki जलवायु परिवर्तन के कारण एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो कृषि क्षेत्र में भी पड़ता है। कृषि क्षेत्र में मौसम में होने वाले बदलाव, कृषि क्षेत्र में तापमान में होने वाले बदलाव के कारण हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते हैं। और इसलिए इसको देखने के लिए देश में एक अडेप्टेशन प्रोग्राम बनाया गया है। उस अडेप्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो स्थानीय जो फसलें बोई जाती हैं उनकी इम्पैक्ट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्या हो, उसी के हिसाब से स्थानीय एडेप्टेशन प्लान में प्लानिंग की व्यवस्था की जाती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार ये माना गया है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। और इसलिए भविष्य में इस बार के COP28 में भी इस बात को एम्फोसाइज किया गया कि इनकी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसको लेकर के दुनिया के सब देश कार्य कर रहे हैं और भारत में भी जो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनता है इन विषयों को पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। श्री रायगा कृष्णन्नैया, द ऑनरेबल मेंबर विल स्पीक इन तेलुगु। रेस्पेक्टेड चेयरमैन, ఈ రోజు వాతావరణ కాలుష్యం అనేది దేశంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ప్రధానంగా అడవులు, చెట్లు రోజు రోజుకు తగ్గిపోవడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా మన భారతదేశం లోపల వాతావరణ కాలుష్యం రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది. దీనికోసం ల్యాండ్ మీద, ఫారెస్ట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే అధికారం ఉంది. దీని విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి యూనిఫామ్గా ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫారెస్ట్ మీద, ల్యాండ్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తీసుకున్నట్టయితేనే ఈ ఫారెస్ట్ లోపల పెంపకం, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ విషయం లోపల సమూలంగా మార్పు రాకపోతే డే బై డే వాతావరణ కాలుష్యం పెరిగి ఇది ఒక పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. పైగా విద్య లోపల ప్రైమరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచే వాతావరణం మీద పిల్లలకు బోధన జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి వాతావరణం కాలుష్యం యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి. అదేవిధంగా ల్యాండ్ లోపల 30% ల్యాండ్ మినిస్టర్ ఫారెస్ట్కు ఇవ్వాలని నా సూచన. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्नों की रेंज बहुत व्यापक थी जिसमें वायु प्रदूषण से लेकर भूमि अधिग्रहण तक के विषय है, लेकिन भूमि जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय होता है, हमारे संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है, जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है उसका ही हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। क्वेश्चन आवर ओवर। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.